कल का क्लास का वीडियो देखने के बाद यहाँ से आपको कोरिलेशन पता चल पाएगा, ऐसे यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। तो कल हम लोग कर रहे थे अबाउट एस्टर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये साइक्लिक एस्टर है या ओपन चेन एस्टर है? ओपन चेन। और जब इसमें लाह ले रहे थे तो क्या मिल रहा था? लाह लेने से ये दोनों पार्ट, ए पार्ट और ए पार्ट, बोथ पार्ट्स प्रोड्यूस अल्कोहल। तो पहला तो ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि किसी भी ओपन चेन एस्टर में अगर हम लोग लाह डालते हैं, लाह का मतलब मेरे पास एच माइनस है, तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, मतलब एसाइल पार्ट और अल्कोक्सी पार्ट, बोथ प्रोड्यूस अल्कोहल। बट जहाँ भी कार्बोनाइल कार्बन अगर अल्कोहल में कन्वर्ट होता है तो वो ऑलवेज 1 डिग्री अल्कोहल देगा। ए सेकेंड ऑब्जर्वेशन, कितना डिग्री अल्कोहल? ऑलवेज प्रोड्यूस 1 डिग्री अल्कोहल, एंड दिस पार्ट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ दिस कार्बन। तो दिस पार्ट कैन गिव 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसका मतलब ए ऑलवेज क्या रहेगा? 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा, बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है स्टूडेंट। और ए रहेगा, इट कैन बी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो ये हम लोग का ऑब्जर्वेशन रहा ओपन चेन एस्टर के लिए, लिखे तो देख लें। व्हेन ओपन चेन एस्टर ट्रीटेड विथ लाह, इट प्रोड्यूस टू फ्रैगमेंट ऑफ अल्कोहल, ओनली वन अल्कोहल या टू फ्रैगमेंट ऑफ अल्कोहल। एंड एसाइल पार्ट ऑलवेज प्रोड्यूस 1 डिग्री अल्कोहल, एंड अल्कोक्सी पार्ट कैन प्रोड्यूस 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। एंड अल्कोक्सी पार्ट प्रोड्यूस 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ये लिख लिए। इसका मैकेनिज्म तो कल के क्लास में मैं बताया था, राइट। अब आते हैं साइक्लिक एस्टर। आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिए हैं। साइक्लिक एस्टर व्हेन ट्रीटेड विथ लाह, सेम कार्बन पे ओ माइनस, और यहां देखिए ओ माइनस और ओ आर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये इसे आउट कर देगा। बट क्या यहाँ पे ये जो एल्डिहाइड बना और जो आप रिएजेंट लिए हैं, ला इज वेरी स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये एल्डिहाइड क्या सर्वाइव करेगा? एग्री।
और ये वाटर से फिर क्या ले लेगा, ये वाटर से एच प्लस, ये भी वाटर से एच प्लस बिकम्स व्हाट, CH2OH एंड OH। तो व्हाट द ऑब्जर्वेशन अबाउट साइक्लिक एस्टर, एक ऑब्जर्वेशन अगर देना हो तो सर मैंने ऑब्जर्व किया कि साइक्लिक एस्टर को जब ला के साथ ट्रीट करते हैं देन वी गेट ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, राइट। ओनली डिफरेंस इज व्हाट, कि जस्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर ब्रेक इन फॉर्म ऑफ व्हाट, ओपन चेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक एस्टर कन्वर्टेड इन टू ओपन चेन स्ट्रक्चर, इज इट करेक्ट। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, फर्स्ट बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओपन चेन एस्टर एंड साइक्लिक एस्टर। ओपन चेन एस्टर को लॉक के साथ ले रहे थे तो दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल मिल रहा था, एक एसाइल पार्ट अलग हो जाता था और अल्काइल पार्ट, अल्कोक्सी पार्ट अलग, बट यहाँ पे दोनों क्या रहेगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो OH ग्रुप आ गया, लेकिन बाकी बात सेम रहेगा। दिस पार्ट ऑलवेज गिव्स, एसाइल पार्ट ऑलवेज गिव्स व्हाट, वन डिग्री अल्कोहल, बट दिस पार्ट, सर दिस पार्ट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ दिस कार्बन, राइट। तो यहाँ पे एक और ग्रुप तो हो सकता है ना, अगर यहाँ पे एक और ग्रुप रहता 2 डिग्री कार्बन मिल जाता, दो ग्रुप भी तो हो सकता है आर वन आर टू, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन बचा हुआ है, दैट्स वाई दिस पार्ट कैन गिव व्हाट, दिस पार्ट अगेन सेम, ये स्टेटमेंट सेम रहेगा दोनों जगह, अल्कोक्सी पार्ट कैन गिव 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, बट एसाइल पार्ट गिव्स ऑलवेज 1 डिग्री। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन अबाउट साइक्लिक एस्टर, एकदम बहुत बढ़िया से, राइट। तो क्या इसको खुद से आप लिख सकते हैं, लिख ली तो मैं लिखवा देता हूँ, व्हेन साइक्लिक एस्टर ट्रीटेड विथ ला देन इट प्रोड्यूस ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, देन इट प्रोड्यूस ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, रेस्ट आर सेम एज इन केस ऑफ ओपन चेन एस्टर। ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल एंड रेस्ट आर सेम एज इन केस ऑफ ओपन चेन एस्टर। तो सर इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा क्या रहेगा, तो स्टूडेंट इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा ये रहेगा, C4H8O2 अब पहले से मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में है कि ये एस्टर है, एंड व्हेन इट ट्रीटेड विथ ला देन CH3CH3CHOH अब प्लस CH3OH, ये एस्टर है, ला लिए हैं, ए बना है, एग्री। तब आपको पूछा गया व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एस्टर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एस्टर, तो देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सब स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन में सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, इससे हमने UF निकालना चाहिए, ए रामबान है, ब्रह्मास्त्र है, इसका अनसब्सटिट्यूशन फैक्टर कितना, 1। और अगर एस्टर बोल रहे हैं तो एक तो पाई बोन रहेगा ही कार्बोनाइल कार्बन का, तो नहीं लगता कि 1 UF पाई बोन बनाने में चला गया, तो क्या यहाँ पे दो साइक्लिक स्ट्रक्चर होने का चांस है, पाई बोन भी रहेगा साइक्लिक रहेगा, तो UF दो चाहिए, तो पहला तो कॉन्फिडेंस यहाँ से ही आ जाएगा कि ये ओपन चेन एस्टर है, राइट। सेकेंड ये UF निकल गया मतलब यहाँ से 200% कन्फर्म हो गया कि ये ओपन चेन एस्टर ही है। अब एक कितना डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, एक कितना डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल, तो नहीं लगता कि सर एक 2 डिग्री अल्कोहल है तो अल्कोक्सी पार्ट रहा होगा, राइट। अरे ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो एक कार्बन कार्बोनाइल कार्बन बन के रहा होगा, अब बस आप क्या कीजिए इसके साथ इसको जोड़ दीजिए, इतना आसान है, राइट।
इस तरीके से स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा, ये बिल्कुल जेई मेन टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर। बट अगर ये पॉइंट ऑब्जर्वेशन में नहीं रहता तो हम लोग पजल होते रहते कि क्या होगा, बट इस ऑब्जर्वेशन से कितना स्मार्टली ये क्वेश्चन बन गया, राइट। हो गया ना, किसी को डाउट? What is the structure of this ester? क्या कन्फ्यूजन माइंड में आ रहा है कि सर दोनों तो 1 डिग्री अल्कोहल ही है, ए भी 1 डिग्री और ए भी 1 डिग्री, और इसका यूएफ निकाले होंगे तो 1 आया होगा, और दो मॉलिक्यूल अल्कोहल का मिला तो डैम श्योर क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि सर किसको कार्बोनाइल बनाए, किसको अल्कोक्सी बनाए, तो यही तो क्वेश्चन का मेन थीम था। एक काम करते हैं, एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि इसको कार्बोनाइल कार्बन बना दें और इसको अल्कोक्सी पार्ट बना दें, राइट, बट एट द सेम टाइम ये भी तो हो सकता है कि इसको कार्बोनाइल कार्बन बना दें और इसे अल्कोक्सी पार्ट बना दें और इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, इसका मतलब यहाँ पे आंसर सिर्फ ओनली वन रहेगा या देयर आर टू आंसर? दो आंसर रहेगा। इसका मतलब एस्टर का यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल था एक अल्कोहल देने के लिए, ओदो लॉन्ग अल्कोहल देने के लिए, या दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है? दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, समझ गए, दिस इज आंसर। अब दोनों एक दूसरे का क्या है सर? दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, बट कौन सा आइसोमर? चेन आइसोमर, पोजिशनल नहीं, चेन। इसमें इसके पैरेंट चेन में दो कार्बन, इसके पैरेंट चेन में कितना कार्बन है? एक कार्बन है। इसको मेटामर्स में भी काउंट नहीं करेंगे कि मेटामर में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अरे बोला हुआ है कि एस्टर है, देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एस्टर? तो पहला बात तो है कि इसका यूएफ निकालिए।
यूएफ कितना आया है? दो। सेकेंड बात कि यहाँ पे एस्टर के साथ ला लिए हैं अनबिगेट ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, उसी में दो एच ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा कन्फर्म ये हो गया कि साइक्लिक का स्ट्रक्चर रहा होगा, क्योंकि साइक्लिक का स्ट्रक्चर का बिहेवियर है। तो यहाँ पे यूएफ दो है, तो एक यूएफ से कार्बन पाई बॉन्ड बन जाएगा और एक यूएफ किस में खर्च हो जाएगा? साइक्लिक का स्ट्रक्चर में। दूसरा बात है कि ये भी वन डिग्री पार्ट, और ये भी कितना डिग्री पार्ट? वन डिग्री पार्ट। तो इसमें आपको फ्रीडम हो गया, किसी एक को कार्बोनाइल कार्बन बना लीजिए। तो अगर मैं इसको कार्बोनाइल कार्बन बनाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 आइसको अल्कोक्सिक पार्ट बनाते हैं, इसको यहाँ से लाकर जोड़ दीजिए, तो उसके बाद स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? यही तो स्ट्रक्चर दिखेगा, राइट? तो देखिए एक ये सब बातें यहाँ पे जितना आसान लग रहा है वो हम लोग यूएफ जानते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन देख लिए, अभी जस्ट पढ़े हैं, तो बहुत आसान चीज़ लग रहा है। यहाँ तक आइए, समझ में आया आप लोग को? व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एस्टर? क्या स्ट्रक्चर होगा? तो देखिए यहाँ पे ए पार्ट कितना डिग्री है? वन डिग्री। बट ए पार्ट कितना डिग्री है? कितना डिग्री अल्कोहल का है? इसका मतलब यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, इसको कार्बन, इस कार्बन को कार्बोनाइल कार्बन बनाइए, इसको अल्कोक्सी बना दीजिए, राइट? इसका मतलब इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? एक कार्बोनाइल कार्बन और यहाँ पे अल्कोक्सी, इसको यहाँ से जोड़ दीजिए। तो देखिए तो कितना मेंबर रिंग बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर रिंग, राइट? इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? और नंबरिंग कर दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कार्बन नंबर 5 का ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग हो गया, और कार्बन नंबर ए कौन सा था? ए 2 था, और 2 पे CH3 था, राइट? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबरिंग करने से आपके लिए आसानी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एस्टर का के साथ लाग का क्वेश्चन सेट किया जा सकता है। तो अब तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा।
इसको समझने के लिए पहले यहाँ से चलते हैं। ये चीज़ मैं ऐसे आगे पढ़ाऊंगा ही इसी चैप्टर में, बट इसका थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है। देखिए स्टूडेंट, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो सबसे पहले बनता है एल्डिहाइड, मतलब किस रास्ते से जाता है वो मैं दिखा रहा हूँ। और फर्दर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है एसिड, रास्ता यह है। इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल का अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीजन करते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द रिएक्शन एट एल्डिहाइडिक स्टेज, उसके लिए पीसी से यूज करना पड़ता है, रिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीजन करते हैं तो डायरेक्ट एसिड में आता है, लेकिन किसके थ्रू आता है? एल्डिहाइड के थ्रू। तो अगर इसका उल्टा चलना स्टार्ट करेंगे, अगर रिडक्शन करते हैं बाई टेकिंग एच माइनस, तो रास्ता यही रहना चाहिए कि पहले एसिड का रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड पे आएगा, और फिर एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल पे आएगा। एग्री? लेकिन अब यहाँ ये बात समझ गए कि लॉजिकली होना ये चाहिए था कि जैसे ये जा रहा हो वैसे ये वापस आना चाहिए, बट एसिड का बारे में आज के बाद एक कहावत है कि या तो एसिड का रिडक्शन नहीं होगा, और अगर होगा तो बहुत भिगरस कंडीशन में होता है, जो काम सिर्फ लाह कर सकता है। और अगर लाह के साथ एसिड को ट्रीट कर रहे हैं एट विगरस कंडीशन, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टॉप द रिएक्शन एट एल्डिहाइडिक स्टेज। इसलिए अगर एसिड का रिडक्शन करते भी हैं, पहला बात तो नहीं होता है, अगर होगा भी तो डायरेक्ट क्या बनेगा, जो कंडीशन प्रोवाइड करते हैं उस कंडीशन पे एल्डिहाइड सर्वाइव नहीं करेगा, तो डायरेक्टली कहाँ जाता है? अल्कोहल में जाता है। समझे मेरे बात को मैंने क्या बोला? लिखिए अब एक लाइन, रिडक्शन ऑफ एसिड इज वेरी डिफिकल्ट रिडक्शन ऑफ एसिड इज वेरी डिफिकल्ट कॉमा रिडक्शन ऑफ एसिड एट वेरी विगरस कंडीशन एंड एट दिस कंडीशन एल्डिहाइड विल नॉट सर्वाइव एंड वी गेट अल्कोहल ओनली। तो इसको अपने लैंग्वेज में अगर हो सके तो ऐसे लिख लीजिएगा, देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे ही लिखने का कोशिश कीजिएगा। कैसे? ऐसे लिखना है, या तो एसिड का रिडक्शन नहीं होगा, और होगा तो सिर्फ अल्कोहल मिलेगा, एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। इसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिख लीजिए तो याद करने में अच्छा रहेगा। एग्री? और वो काम सिर्फ कौन करेगा? लाह करेगा। वो काम सिर्फ कौन करेगा? रिडक्शन ऑफ एसिड विथ कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ लाह एंड एट हाई टेम्परेचर, एक कंडीशन है। अब उसका रीजन जानिए स्टूडेंट। लाह यहाँ पे क्या लेना है? एक तो लाह पहले से ही पावरफुल है, उसमें भी कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट और हीट कर रहे हैं,
तो ला ले रहे हैं इसका मतलब H माइनस, ला रहे हैं इसका मतलब क्या H माइनस। पहले यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा या एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा? पहले यहाँ पे ये बेस है और ये क्या हो गया एसिड, पहले कौन सा रिएक्शन हो गया? एसिड बेस रिएक्शन हो गया। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसे क्यों बोला। और एसिड बेस रिएक्शन होने से क्या बन गया है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस। और आपको शायद मैकेनिज्म के टाइम पे ही पढ़ाए थे कि अगर कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा तो इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑलमोस्ट क्या रहता है, इम्पॉसिबल रहता है ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन, राइट। और फिर भी इस पर अटैक करना है, फिर भी इस पर अटैक करना है, सोचो कि कार्बन नहीं कर पाता था, राइट, आर एन जेक्स नहीं कर पाता था, फिर भी इस पर अटैक करना है तो ये काम सिर्फ लाह करेगा। और उस टाइम पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच माइनस रखना पड़ेगा और हीट करना पड़ेगा। जहाँ पे आप अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं तो ज़्यादा मोमेंटम से अटैक करेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे, राइट। तो ये काम सिर्फ कौन करता है, मतलब पहले वो चीज़ पढ़ा चुके हैं बट वहाँ पे बात आपको नहीं बताया था कि ये काम वहाँ सिर्फ बताया था कि एक आध जगह होता है, तो उसमें एक जगह वही है ला, इन ला उसमें भी डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट, कॉन्सेंट्रेटेड लो टेम्परेचर या वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर। और ये रिएक्शन वेरी विग्रस कंडीशन पे होता है, तो जनरली देखिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग को भी नहीं पढ़ाया गया था, मतलब मुझे जब मैं खुद के लिए पढ़ा था तो ये रिएक्शन हम लोग सर नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि जो भी वेरी विग्रस कंडीशन पर रिएक्शन होता है उसका क्लियर कट मैकेनिज्म नहीं होता। बट फिर भी आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं इस चीज़ को समझाया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट अमाउंट है तो थोड़ा तो बाटर रहेगा, तो क्या बन जाएगा, आर सी एच ओ एच ओ एच, एग्री। और फिर यहाँ से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, समझ गए। लेकिन जो कंडीशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस कंडीशन पे क्या एल्डिहाइड सर्वाइव करेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन तो इतना आसान है कि NaBH4 भी कर देता है, NiH2 भी कर देता है, राइट। दैट्स वाई वहाँ पे जो कंडीशन आप लिए हुए हैं उस कंडीशन पे एल्डिहाइड नो डाउट बीच रास्ते में बनेगा, बट यहाँ पे आइसोलेट हम लोग नहीं कर पाएंगे। एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और कितना डिग्री अल्कोहल मिला देखिए, तो ये तो पहले ही जानते हैं कि अगर कार्बोनाइल कार्बन, अगर कार्बोनाइल कार्बन अल्कोहल में कन्वर्ट होता है तो ऑलवेज एक ए पार्ट कितना डिग्री अल्कोहल देता है, 1 डिग्री। तो एसिड का रिडक्शन के बारे में आपने क्या सीखा कि सर एसिड का रिडक्शन सिर्फ ला कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में करेगा, एग्री। और दूसरा बात, इसका यह रिडक्शन या तो नहीं होगा और अगर होगा तो इतना विग्रस कंडीशन रहेगा जिसमें डायरेक्टली अल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड पे नहीं रुकता है। और मैकेनिज्म इज दिस वन, ओके। लिख लीजिए, हो गया। इसको हटाएं, अब देखिए आप इसको बोर्ड के एग्जाम में यूज कर सकते हैं। नोटबुक पे क्या मतलब है कि डिफिकल्ट है आसान है, अगर यहाँ से वन स्टेप इसका कन्वर्सन करना हो, लाह डाल के हीट कर दीजिए, राइट, यहाँ पहुँच जाएंगे, अग्री। इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ ला विथ एसिड एंड हाइड्राइड,
देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, इस एसिड एनहाइड्राइड का अगर रिडक्शन ला के साथ ट्रीट करते हैं, और ये सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है या अनसिमेट्रिकल, नॉमिनेटिव में पढ़ाए थे अनसिमेट्रिकल इसका, और इसका ए भी पार्ट अल्कोहल देता है, ए भी पार्ट अल्कोहल देता है, बट ये कार्बोनाइल कार्बन है, ये भी क्या है कार्बोनाइल कार्बन, तो दोनों पार्ट कितना डिग्री अल्कोहल देगा, 1 डिग्री अल्कोहल देगा, CH2OH अब प्लस CH3CH2CH2OH। चलिए H आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी कॉन्सेप्चुअली फर्क पड़ जाएगा, H माइनस का अटैक कहाँ पे करें और क्यों करें, क्यों मेरे पास, अब मुझे कन्फ्यूजन यहाँ पे है, ये बात दूसरी जगह भी यूज होगा कि यहाँ पे मेरे पास वी हैव टू कार्बोनाइल कार्बन राइट, तो H माइनस फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक ऑन विच कार्बोनाइल कार्बन एज न्यूक्लियोफाइल, तो इसको हम लोग पढ़े थे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, तो उस कार्बोनाइल कार्बन का रिएक्टिविटी ज़्यादा रहता है जिसमें पॉजिटिव कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो दोनों में अनकॉमन क्या है, यहाँ पर CH3 यहाँ पर C2H5 है, किसका प्लस आई ज़्यादा है, इसका प्लस, तो यहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर कम रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर तो लेफ्ट वाला पे अटैक करते हैं राइट, तो वो नहीं है सर, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली करेक्ट होकर अटैक कर रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेके गया, और दिस इज रीजन की मैं अनसिमेट्रिकल एग्जांपल लिया, एग्रे, तो नहीं था कि सर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बनते जा रहा है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। अब यहाँ देखिए सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पे एक ही कार्बन पे ओ माइनस और ये दो ऑक्सीजन है, और यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन इसके साथ रेजोनेंस में है, रेजोनेंस के वजह से इस पर पॉजिटिव कैरेक्टर था, इसका लिविंग कैरेक्टर बढ़ गया है, यहाँ आएगा बहुत आसानी से, यहाँ से आउट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 दिस वन, और ए पार्ट क्या बनेगा, CH3CH2 सी डबल बॉन्ड ओ माइनस। ये आपको नहीं लगता है कि ये एसिड वाला सिचुएशन हो गया, एसिड का एसिड बेस रिएक्शन करते थे एच माइनस के साथ, तो ऐसा ही तो बनता था, और ए एल्डिहाइड है, क्या एल्डिहाइड सर्वाइव करेगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ए पार्ट का रिएक्शन दोबारा बताने का रिक्वायरमेंट है या एसिड में अभी जस्ट बताए हैं, बोलेंगे ही नहीं, अभी जस्ट तो बताया था एसिड में ऐसा, या सबसे पहले ए बनता है तब जाकर एच माइनस का अटैक करता है, तो क्या डायरेक्टली मैं अपना टाइम बचाने के लिए इसको ऐसे कर दूँ, तो दिस में करनी जाऊँ। एग्री, इसका मतलब एसिड एनहाइड्राइड का रिडक्शन करते हैं, और अगर वो एसिड एनहाइड्राइड ओपन चेन स्ट्रक्चर है, देन वी गेट टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, बट दोनों मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा, वजह दोनों कार्बोनाइल कार्बन से बन रहा है, किससे बन रहा है कार्बन, तो मैं आपकी जगह पर रहता तो ये लिख लेता कि कार्बोनाइल कार्बन वाला कार्बन अगर अल्कोहल में कन्वर्ट होता है तो 1 डिग्री देता है, यहाँ पे दोनों कार्बोनाइल कार्बन से ही है। तो माइन्यूटली आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो देखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन के बाद, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, हाइड्रोकार्बन के बाद जितना भी फंक्शनल ग्रुप है, मोर ऑर लेस में हर फंक्शनल ग्रुप का NaBH4 और लाह के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, RX ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया, कीटोन ले लिया, उसके बाद एस्टर ले लिया, एसिड एनहाइड्राइड ले लिया, अब क्या बचा हुआ है, एमाइड, कितना डिग्री एमाइड लिए हैं,
वन डिग्री, कितना डिग्री माइज मिला है? सराउंडिंग किसका है? एच माइनस का। किसका सराउंडिंग है? कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब वहाँ वाटर नहीं है सराउंडिंग में, एच माइनस मोर और लेस ज़्यादा है। क्या बनेगा? आर ओ माइनस। और सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट कि प्रोडक्ट पहले आता है। वन डिग्री अमाइन में लाह को डाला गया है, अमाइन बना है, तो जो प्रोडक्ट आता है मैकेनिज्म उसी को सोच कर ड्रॉ किया जाता है, राइट? दैट्स व्हाई कि आपका मैकेनिज्म और प्रोडक्ट मैच कर जाए। तो यहाँ से बनेगा ये, इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग मैं बढ़ रहा हूँ। अब सेम कार्बन पे OH और NH2 है, तो नाइट्रोजन का लोन पे डोनेटिंग पावर ज़्यादा है। क्या बन जाएगा? RCH डबल बॉन्ड NH। ये आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ से OH माइनस, यहाँ से H प्लस। RCHH N माइनस एच, ये वाटर से क्या लेगा? H प्लस। दिस इज द करेक्ट मैकेनिज्म, ठीक है? अब सेम रिएक्शन किसके लिए रहेगा? सेम रिएक्शन फॉर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड, बाकी कुछ डिफरेंस रहेगा नहीं, राइट? यहाँ तक हो गया। इसका मतलब कल से लेकर आज तक मैं आपको लाह और NaBH4 ही पढ़ाते जा रहा हूँ, और यहाँ पे जिसके जिसके साथ रिएक्शन हो सकता है सब एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है? अब देखिए, अल्केन नाइट्राइल के साथ लाह को अगर ट्रीट करते हैं तो 1 डिग्री अमाइन बनता है। रिएक्शन बिल्कुल सिमिलरली ऐसे होगा, RCH डबल बॉन्ड N माइनस, यहाँ वाटर से कॉन्सेंट्रेट लेकिन सम अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर रहेगा, CH डबल बॉन्ड NH, फिर से H माइनस, RCH2 NH माइनस, फिर से ये वाटर से H प्लस ले लेगा और A बन जाएगा, ठीक है? ये तो ऐसे भी जानते हैं कि सी ट्रिपल बॉन्ड एन का रिडक्शन NiH2 भी करता है। क्या बनता था? एमाइन बनता है। कितना डिग्री एमाइन? 1 डिग्री एमाइन। कर लीजिए, RNO2 से RNH2 इसका मैकेनिज्म नहीं चाहिए। NO2 का अगर रिडक्शन करते हैं तो NH2 में कन्वर्ट होता है, बट ये काम NaBH4 नहीं करता है, लाह करता है।
ठीक है। बट नाइट्रोबेंजीन में के साथ दोनों करता है रिएक्शन। नाइट्रोबेंजीन का अगर रिडक्शन करेंगे एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कन्वर्सन में आपको काम में आएगा, वन स्टेप कन्वर्सन हो जाएगा, ठीक है। एनो टू ग्रुप नाइट्रो ग्रुप लिविंग, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, एनो टू ग्रुप लिविंग ग्रुप जैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिहेव नहीं करता है, फिर भी एनो टू ग्रुप को अगर आउट करना है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आ गया, नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन बनाना है, तो ये लिविंग ग्रुप नहीं रहेगा कि आप इसको आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए डायरेक्टली आपको एनिलीन पे आना पड़ेगा बाय रिडक्शन। यहाँ तक आ गए और यहाँ से डाइजोनियम सॉल्ट बना लेंगे N2+। अब फिर कल के क्लास में बताए थे कि H3PO2 इसको लेते हैं, ये बेंजीन बन जाता है, एग्री, या ये भूल गए H3PO2, कभी कभी ऐसा होता है ना कि भूल गए, तो वाटर लेकर हीट कर देंगे, फिनॉल बन जाएगा, इसमें जिंक डस्ट लेकर हीट कर देंगे, बेंजीन बन जाएगा। लिख लीजिए, एकदम सिस्टमेटिक लिखिएगा। ये लेक्चर कौन सा है स्टूडेंट? 5। ए था अभी तक का सिचुएशन लाह का रिएक्शन, लाह और NaBH4 का, ओके। अब यहां देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एल्डिहाइड का सोडियम और अल्कोहल के साथ, राइट। अल्कोहल कैसा सॉल्वेंट? पोलर सॉल्वेंट, तो बनता है RCH2OH। क्या बनता है? RCH2OH। आप लोग जाइलिन जानते हैं, ऑर्थो जाइलिन, बेंजीन पे अगर दो मिथाइल ग्रुप रहता है तो उसको जाइलिन बोलते हैं, ऑर्थो मेटा एंड पैरा जाइलिन, राइट। जाइलिन है नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट? नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। और फिर वाटर, तब ये बनता है RCHOH CHOH R। अब इस चीज़ को हम लोग को मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, ये कैसे होगा। हो गया ना?
अब देखिए इन दोनों रिएक्शन के लिए एक जनरल बात सीखिए। ये तो पता है कि किसी रिएक्शन में अगर अल्कली मेटल का यूज करते हैं तो अल्कली मेटल का काम एक ही है, इलेक्ट्रॉन देना। और इलेक्ट्रॉन इज हाईली रिएक्टिव पार्टिकल, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ एरो। अब एक्चुअल में ये आपस में रेजोनेंस करके इस फॉर्म में भी रहता है। तो यहाँ पे सबसे इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मेरा सॉल्वेंट, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट, अगर मेरा सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट रहेगा तो इसको लेकर काम करना है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट रहेगा इसको लेकर काम करना है। किसको लेकर काम करना है? पोलर सॉल्वेंट के में क्या इसको लेकर काम करेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में इसको लेकर काम करेंगे। एग्री? इसका मतलब अगर जाइलिन है, सोडियम जाइलिन, तब किसको लेकर काम करना है? इसे लेकर काम करना है। सोडियम अल्कोहल, तब किसको लेकर काम करना है? मतलब एक जनरल बात हो गया, लिख लिए। कहां पे पढ़िए? दिस स्ट्रक्चर, हो गया। तो पहले केस ए को लेते हैं। सोडियम अल्कोहल, पहले इसको मॉर्फोलॉजी भी समझ लेते हैं ताकि आपको शॉर्ट नोट्स में याद रहने के लिए बढ़िया रहेगा। आप ए बताइए स्टूडेंट कि सोडियम को वाटर में डालते हैं क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस। पर डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस मिल रहा होगा या नेसेंट हाइड्रोजन पहले प्रोड्यूस हुआ होगा, आपस में कंबाइन होता है। इसका और इसका मतलब है कि सोडियम को किसी भी पोलर सॉल्वेंट जहां पे OH ग्रुप रहेगा, कौन सा ग्रुप, और सोडियम को C2H5OH में डालेंगे तब क्या मिलेगा? सर C2H5O-Na+ और नेसेंट हाइड्रोजन, और भाई अल्डिहाइड है और वहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन का प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ए मॉर्फोलॉजी, नॉट मैकेनिज्म। अगर नेसेंट हाइड्रोजन अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका रिडक्शन हो जाएगा कार्बोनाइल कार्बन का, और कार्बोनाइल कार्बन का रिडक्शन होकर क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्टेड इनटू अल्कोहलिक ग्रुप, राइट? ठीक है ना। एक काम NiH2 भी करता था, एक काम NaBH4 भी करता था, एक काम LAF भी करता था, सब हाइड्रोजन प्रोड्यूस दे रहा था, राइट? दिस इज नॉट द मैकेनिज्म, दिस इज द मॉर्फोलॉजी, राइट? अब मैकेनिज्म पे आते हैं। एक्चुअल में सोडियम इसी रिएक्शन के लिए ले रहे हैं, इसका तो इलेक्ट्रॉन है, RCO रेडिकल H, और यहां पे माइनस।
और आपको बताया कि पोलर सॉल्वेंट रहेगा तो इसको लेकर काम कीजिएगा। ए वाट अल्कोहल से क्या ले लेगा, ओ माइनस अल्कोहल से क्या पुल कर लेगा, एच प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा एच, यहाँ पे आ जाएगा एच, और यहाँ पे क्या रहेगा, ओ रेडिकल। और आप सोडियम लिए हुए तो आपके पास सफिशियंट इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बन जाएगा ओ माइनस, अगेन एच सी टू एच फाइव ओ एच से एच प्लस पुल करेगा, और लास्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर सी एच टू ओ एच। दिस इज द मैकेनिज्म। ठीक है ना, अब क्या ले रहे हैं स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, बट हम लोग को नॉन पोलर सॉल्वेंट में इस स्ट्रक्चर के साथ काम करना है या इस स्ट्रक्चर के साथ काम करना है, इस स्ट्रक्चर के साथ काम करना है, एग्री। यहाँ पे रेडिकल रेडिकल कपलिंग हो जाता है, ए रेडिकल आपस में कंबाइन टुगेदर एक बॉन्ड बनाएगा, ओ माइनस एन ए प्लस, ओ माइनस एन ए प्लस। अब फिर जब इतना काम हो जाएगा तब सेकेंड में हम लोग वाटर लेंगे, क्या लेंगे, वाटर से क्या लगा, एच प्लस, ए भी वाटर से क्या लगा, एच प्लस, और इस तरीके से ए बनता है। दिस इज द मैकेनिज्म। हो गया ना, जायरिन के जगह पे कभी कभी बेंजीन भी लिया हुआ रहेगा। हटाएं, इसमें क्या बनेगा, आप लोग रफ वर्क कर लीजिए और डायरेक्ट प्रोडक्ट बताइए। मतलब सर इसमें ए बनना चाहिए, नहीं
बट उसमें क्या बनेगा? देख तो सही हूँ। कार्बोनाइल कार्बन पे रेडिकल फ्री रेडिकल रहेगा, रेडिकल रेडिकल कपलिंग होगा, उसके बाद फिर से हम लोग वाटर लेके चले जाएंगे, राइट? हो गया। ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट मैं नेक्स्ट मंडे से वीक में 2 दिन एक बैच में इलेक्ट्रोस्टैट मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट, गॉस लॉ, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिसिटी, बट इट टेक्स टाइम। जहाँ तक अगर आप करना चाहेंगे मैं आपको आईडी भेज दूँगा। वो जस्ट करंट बैच है क्लास 12th का, जो इस बार 12th में गए हैं उनमें मैं क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लिखिए एसी लोयन कंडेंसेशन। तो यहाँ पे 2 टर्म आ गया, एक तो आ गया एसी लोयन, दूसरा आ गया कंडेंसेशन। दोनों को समझ लेते हैं। व्हाट द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन? जैसे आप नाम जानते होंगे एल्डोल कंडेंसेशन, तो इससे बहुत सारा कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकता है। या आप ऐसे मान लीजिए, यहाँ देखिए ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज कंबाइंड टुगेदर गिव्स व्हाट? सुक्रोज। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आउट होता है, राइट? तो कंडेंसेशन रिएक्शन का डिफरेंशन ये है, जनरलाइज डिफरेंशन, कि व्हेन टू बिगर, मैं लिखवा दूंगा, व्हेन टू बिगर मॉलिक्यूल एसोसिएट एंड अ स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अल्कोहल, अमोनिया आउट। दो बड़ा मॉलिक्यूल जुड़ेगा और एक स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अल्कोहल या अमोनिया आउट होता है, तो उन सारे रिएक्शन को हम लोग किसमें काउंट करते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन में। एग्री? लिखिए एक लाइन, व्हेन टू बिगर मॉलिक्यूल एसोसिएट एंड अ स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अल्कोहल और अमोनिया आउट, देन दीज आर कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन, देन दीज आर कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, कनेक्शन से स्मॉल मॉलिक्यूल कुछ आउट हो रहा है, दो बड़ा मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, स्मॉल मॉलिक्यूल कुछ आउट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल दी आर कंबाइंडली कॉल्ड व्हाट? कंडेंसेशन रिएक्शन। अब एक और लाइन लिखिए, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड एल्डिहाइड आर कॉल्ड एसी लोयन। अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन आर नोन एज एसी लोयन।
तो इस कीटोन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है, तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो देखिए इसका दो बड़ा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहा है, राइट, और स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक अल्कोहल ये आउट हो रहा है। तो दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, कंडेंसेशन रिएक्शन। और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का ही नाम क्या है, एसिलवेन। इसका मतलब हम लोग कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा एसिलवेन कंडेंसेशन रिएक्शन। समझे स्टूडेंट? चलिए सोडियम ज़ाइलिन लिए हुए, मतलब हम लोग क्या लिए हुए, इलेक्ट्रॉन। तो किस स्ट्रक्चर के साथ काम करेंगे, कार्बन पे रेडिकल, वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव या कार्बन पे नेगेटिव ऑक्सीजन पे रेडिकल। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में कार्बन पे रेडिकल ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इसके साथ आपको काम करने के लिए अभी समझाए थे Na प्लस O माइनस ओ सी एस थ्री रेडिकल। ये रेडिकल और रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएगा, O माइनस Na प्लस। अभी वाटर लेकर नहीं गए हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व दैट कि अभी हम लोग वाटर का यहाँ पे काम नहीं किए हैं। अब देखिए अभी तक जाइलिन ही लिए हुए हैं क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन भी हम लोग कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ देखिए सेम कार्बन पे O माइनस और ओ सी एस थ्री सर्वाइव करेगा, सेम कार्बन पे O माइनस ओ सी एस थ्री सर्वाइव, ये किसे आउट कर देगा और ए इसे आउट कर देगा, बन क्या गया सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, एग्री। फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे स्टूडेंट, एक इस कार्बोनाइल कार्बन के लिए और एक इस कार्बोनाइल कार्बन के लिए, और अभी आपका सॉल्वेंट जाइलिन ही यहाँ पे है, तो किस पे रेडिकल किस पे निगेटिव, क्योंकि कीटोन पे तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का अटैक कर रहे थे, तो कार्बन पे रेडिकल और ऑक्सीजन पे निगेटिव, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, ओ निगेटिव रेडिकल, ओ निगेटिव रेडिकल, और रेडिकल रेडिकल आपस में कपलिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। नहीं मैं हटा नहीं रहा हूँ, अब यहाँ पे फर्दर इलेक्ट्रॉन का कोई स्कोप नहीं बचा है क्योंकि जितना काम करना था उतना काम कर चुके, राइट। बट आपके सॉल्यूशन में ये भी बचा हुआ है, इस बात का याद रखिएगा, ये जो आउट हुआ है ये वाला पार्ट वो सी एच थ्री ओ माइनस एन ए प्लस बनकर सॉल्यूशन में ही है, राइट। अब यहाँ पे वाटर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे अगर वाटर लेके जाते हैं तो वाटर इसके साथ भी रिएक्शन करेगा, इसके साथ भी करेगा, राइट। तो आपने एक्चुअल में क्या ऑब्जर्व किया कि दो बड़ा मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हुआ और स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक दिस आउट हुआ, तो इस टाइप का कोई भी रिएक्शन रहेगा जिसमें दो बिगर मॉलिक्यूल जुड़ता है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल आउट होता है, उन सबको आप कंडेंसेशन में काउंट कर सकते हैं, एग्री। इन्हें कहीं इनॉल बना हुआ है, अल्कीन भी है और अल्कोहल भी है, ये टोटोमराइज कर जाएगा, ठीक है। और टोटोमराइज करने के बाद सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच ओ एच सी एच थ्री, और इसी का नाम क्या था, अल्फा हाइड्रोक्सी
कीटोन, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एसिलवैन। और साथ में ये भी तो मिलेगा सॉल्यूशन में, वो भी बचा हुआ था राइट, CH3OH। हाँ, दो इलेक्ट्रॉन दिए दोनों कार्बोनाइल कार्बन के लिए, हो गया ना। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि एस्टर को जब हम लोग सोडियम जाइलिन एंड फर्दर ट्रीटेड विथ वाटर तो एक कंडेंसेशन रिएक्शन देता है जिसका नाम है एसिलोइन कंडेंसेशन। अब मिलता क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और अल्कोहल, और क्या मिलता है, अल्कोहल। एग्री। और कौन सा पार्ट अल्कोहल बनकर निकलता है, अल्कोक्सी पार्ट, कौन सा पार्ट, अल्कोक्सी। लिख लीजिए फिर, इसका मैं बहुत शॉर्टकट बता दूंगा। हो जाएगा तो बोलना है। हो गया, अभी आरके सर मैग्नेटिज्म और EMW का डिस्कशन क्लास ले रहे हैं राइट, उसके बाद मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि फिर इस डिस्कशन क्लास को स्टॉप करता हूँ। मोटा मोटी आपका डिमांड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ही था, रे ऑप्टिक्स भी हो गया है, अब फिर कुछ दिन आप खुद से क्वेश्चन बैंक को, JEE मेन का क्वेश्चन बैंक को फॉलो कीजिए, अब तक फिर फर्दर प्लानिंग करेंगे। और उसके बाद प्लानिंग में कोशिश करूँगा कि बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट का डिस्कशन मैं ले लूँ। जो भी रहेगा, जैसे SHM में पढ़ा रहा हूँ तो SHM का JEE मेन में आया हुआ क्वेश्चन मैं लूँगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कैसे कैसे इसको डील कर देना है। फिर रोटेशन का भी डिस्कशन क्लास, क्योंकि मैं 12th में रोटेशन मैं पढ़ाया हूँ तो उसको दोबारा अगर देखना होगा तो मैं खुद ले लूँगा, ठीक है। और उस डिस्कशन क्लास में, चूँकि JEE मेन का ही क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे तो JEE मेन का और नीट का लेवल मोटा मोटी सेम रहता है, तो उसमें सबको कंबाइन कर लेंगे। एग्री। और फिर कुछ दिन साजिद मैथ का स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स का स्टॉप करके मैथ का देखते हैं, ठीक है। दोनों बैलेंस रहना चाहिए। और लास्टली आपको भी तो थोड़ा रिवीजन करने का मौका मिलना पड़ेगा, हम लोग सब कुछ पढ़ा देंगे और पता चल रहा है कि शॉर्ट नोट्स ही नहीं बना हुआ है फार्मूला का। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप लोग मजाक कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते चल रहे हैं या मेरे भरोसे हैं, बना लीजिएगा तभी मैं ऑर्गेनिक का डिस्कशन कर पाऊंगा बढ़िया से। अच्छा, अल्काइन तो ऐसे मेरा अल्काइन के बाद सारा हाइड्रोजन ट्रिपल से इज एन एवरी टॉपिक का बना हुआ है, बट शॉर्ट नोट्स खुद का होना चाहिए। वजह क्या है कि मेरे शॉर्ट नोट्स में हो सकता है कि मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा, क्योंकि मुझे हो सकता है बहुत सारा चीज़ें याद रहता होगा। मैं अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन से पहले कम से कम तो 15 बार शॉर्ट नोट्स को, अपना लॉन्ग नोटबुक को पढ़ गया था, तो मुझे हर लाइन ही याद रहता था, तो उसमें बस एक कॉन्फिडेंस के लिए बनाए थे शॉर्ट नोट्स। और क्वेश्चन बैंक को 2-3 बार बनाया हुआ था तो सारा क्वेश्चन भी याद रहता था, तो अपना प्रिपरेशन कर सके। हम लोग के पास काम था नहीं, काम नहीं, कोई स्कूलिंग का बहुत प्रेशर नहीं था, तो सिर्फ सुबह से शाम तक घर पर रहकर सेल्फ स्टडी करना है, तो चीज़ें इतना बार बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं लार्ज कि हाँ ये भी बनाना है ये भी बनाना है। डीके सिंह का असाइनमेंट जिसका नाम अभी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और IIT क्वेश्चन बैंक और सर का नोट्स, यही 3 चीज़ को मैं कम से कम तो 2-3 बार किया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि भाई यहाँ भी ये रहेगा तो दूसरा कोई पैकेज उठाएंगे इंडिया का तो उसमें भी वही रहने वाला है। और प्लस अपने टीचर में फेथ था कि वो इतना तगड़े तरीके से सब्जेक्ट को डील किए थे, और क्वेश्चन बैंक बनाने से बहुत कुछ नया कुछ सीखने को भी मिलता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, तो चीज़ें ऑलमोस्ट याद हो जाता है, तो क्वेश्चन बैंक इज मच मोर इम्पॉर्टेंट नहीं लगता है। जैसे आप मैथ का भी कुछ सब कुछ साइड कर दीजिए, सिर्फ क्वेश्चन बैंक भी अगर बना लीजिएगा तो मैथ में 10 क्वेश्चन बना, 15 क्वेश्चन आराम से बना के आ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे पकड़ समझ में आता है कि एक्चुअल में क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या है, राइट।
तो क्वेश्चन बैंक इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। कैटलिस्ट का 10 प्रॉब्लम होम असाइनमेंट का छूट जाए कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बैंक नहीं छूटना चाहिए अगर आपको इसी टाइम इसी बार निकलना है तो। और एक एग्ज़ाम में एक या दो बार अगर कुछ ख़राब होता है इसका मतलब ये नहीं कि आप ख़राब स्टूडेंट हो, ये सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा कि इस फेज को हम लोग इस फेज से हम लोग भी गुजरे हैं। अब इस ये नहीं बोलूँगा कि जैसे मेरा सेकंड टाइम ही हुआ तो सब लोग सेकंड टाइम के लिए वेट कीजिए, बट एक्चुअली खुद पे भरोसा था कि नहीं मैं उस क्वालिटी का स्टूडेंट हूँ कि निकाल सकता हूँ IIT। मेरे अंदर इतना कॉन्सेप्चुअली मैं इतना प्रॉब्लम पे अटैक करता हूँ, बनाने का तरीका इतना बढ़िया है, टीचर का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा दिया हुआ है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि मुझे सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट आ रहा है, फिजिक्स मुझे अच्छा लगता है, केमिस्ट्री अच्छा लगता है, मैथ में अच्छा से बनाता हूँ, कैलकुलस कोऑर्डिनेट, तो फिर नहीं होने का बात क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ लूप होल था, तो लूप होल था कि मेरा स्पीड कम था, उसी स्पीड को बढ़ाना था, तो सब कुछ पढ़ने के बाद तो सेकंड टाइम क्या होता है स्पीड बढ़ाना, स्पीड कब बढ़ेगा? ऑलवेज नया प्रॉब्लम देखते रहिएगा तो स्पीड नहीं बढ़ेगा, बनाए हुए प्रॉब्लम बनाइएगा तो स्पीड बढ़ेगा, समझे? लेकन आज के डेट में स्टूडेंट का मेंटेलिटी क्या होता है, अच्छा ये प्रॉब्लम तो पहले बनाया था भाई, सेकंड टाइम तो स्पीड बनाने के लिए बढ़ाने के लिए बना रहे हो, उस थीम को समझो। हर बार एक नया सिटी में जाएगा तो रास्ता पता रहेगा, बट गुवाहाटी में सारा रास्ता पता है तो ज़्यादा फास्ट रहेंगे पहुँचने में अपने डेस्टिनेशन पे। सेम सिचुएशन है, लॉजिक तो एकदम क्रिस्टल क्लियर लॉजिक है, एक लाइन का लॉजिक नहीं समझ में आता है, बट बच्चे क्या करते हैं जो बनाया हुआ प्रॉब्लम है छोड़ देते हैं, तो मुझसे बनाया हुआ है, पहला बार आप बनाए थे सीखने के लिए, इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, सेकंड टाइम किसके लिए बना रहे हो? स्पीड बढ़ाने के लिए, राइट? कितना फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, खुद से कॉम्पिटिशन कीजिए, पहला बार मुझे इतना टाइम लगा था, अभी तो आंसर पे आने पे फटाफट फटाफट यहाँ पे, बट लास्ट में स्टूडेंट लोग क्या करते हैं जहाँ पे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आता है ना 2x3 डिवीजन वाला और मल्टीप्लिकेशन वाला, वहाँ पे छोड़ते हैं कि आंसर आ जाएगा, वहीं पे स्टक कर जाएंगे एग्जाम हॉल में, जैसे ही कैलकुलेशन स्लो होगा तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, राइट? जैसे बायोलॉजी वालों के लिए इतना बार मैं चिल्लाते रहता हूँ कि भाई ये 3 बुक कम से कम बनाना है, कौन सा? एक और बुक आज मैं रिकमेंड करूँगा, उसको ले लीजिएगा, बहुत बढ़िया आया है। तो MTJ फिंगर टिप्स हो गया, उसके बाद मास्टर द NCERT हो गया, कैटलिस्ट असाइनमेंट, ये तीन को ही अगर कोई दो बार बना जाए तो 50% क्वेश्चन तो आपको देखा हुआ नजर आएगा। अब सही ट्रुथ बता रहा हूँ, जैसे आप लोग को शायद मन में लगता होगा कि अच्छा हम लोग IIT के हैं तो टीचर बहुत सारा काम हम लोग पे किए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जो टीचर फिजिक्स पढ़ाए थे बस अपना एक थीम पढ़ा के छोड़ देते थे, किसी चैप्टर में 20 प्रॉब्लम दे लिए, लेकिन वो 20 प्रॉब्लम उनका इतना बढ़िया रहता था कि उससे HC वर्मा का एक कहीं पे पेन रुकता ही नहीं था। 20 के बाद शायद ही अख्तर सर में 15 मंथ उनसे पढ़ा था फिजिक्स, उसमें एक या दो बार में डाउट के लिए मुझे टाइम मिला था, बाक़ी छोड़ नहीं, तुम खुद बनाओ IIT क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, जब तक खुद से फाइट नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा कि हम मैंने क्या पढ़ाया है उसको कैसे आउट टू अप्लाई। DK Singh थ्योरी पढ़ा के पूरा, लेकिन थ्योरी में ही इतना एग्जाम्पल लेते थे और सारा एग्जाम्पल बाद में पता चला क्वेश्चन बैंक में जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो उनका सारा एग्जाम्पल IIT का आया हुआ क्वेश्चन था, तो इतना सिस्टमेटिक वे में उन्होंने पढ़ाया कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिजिकल केमिस्ट्री RC मुखर्जी का वर्कआउट कम से कम 3 बार देख बना गया होगा, और फिर IIT क्वेश्चन बैंक। फिजिकल केमिस्ट्री किसी से नहीं पढ़ा फिर भी अच्छा कर लिया। इनऑर्गेनिक रट गया, पता है NCERT रट जाना है, इनऑर्गेनिक का बुकलेट रट जाना है, खुद से शॉर्ट नोट्स बना लेना है, रट्टा ही तो मारना है। तो एग्ज़ाम में पास करने वाला अलग कैटेगरी का हो जाता है, वो खुद पे ज़्यादा भरोसा करता है कि हाँ ये चैप्टर नहीं हुआ तो खुद से भी हो जाएगा, क्योंकि आपको 90% तक अगर टीचर पहुँचा दिया मोमेंटम देकर अच्छे से पढ़ा दिया तो 10% खुद से भी हो सकता है। बायो का अगर एक आध चैप्टर लेट अस मैम नहीं लिए तो क्या उस भरोसे नहीं पढ़ेंगे? हो जाएगा, 95% पढ़ा दिए तो 5% खुद से भी तो कैपेबिलिटी रखना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे शॉर्टकट एक बताता हूँ, एक्चुअली हुआ यही है ना, ध्यान से देखिए। तो अब सेकेंड में वाटर लेके जाते हैं, शॉर्टकट ये है कि इन दोनों को क्या बना देना है,
अल्कोहल, और इस कार्बन को जोड़ देना है, किस कार्बन को, इस कार्बनाइल कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और उन दोनों कार्बनाइल कार्बन से एक को सी डबल बॉन्ड और रहने दीजिए, दूसरा को OH बना दीजिए, हुआ तो यही है। अब समझे मैंने शॉर्टकट ट्रिक क्या बताया, इन दोनों को क्या बना देना है, अल्कोहल, और इन दोनों कार्बन को आपस में बॉन्ड क्रिएट कर देना है दोनों के बीच में, और उसमें से दोनों में से एक को कीटोन रहने देना है, दूसरा को क्या बना देना है, OH, क्योंकि बनना क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, एग्री। चलिए तो ये जो बॉन्ड है एक किसके बीच का बॉन्ड था, एस्टर के, दो एस्टर के दोनों कार्बोनाइल कार्बन के बीच का बॉन्ड है, किसके बीच का है बॉन्ड है, दोनों एस्टर के कार्बोनाइल कार्बन के बीच का बॉन्ड है, राइट। मतलब ये कौन सा कार्बन था एस्टर का, कार्बोनाइल कार्बन, ये भी कौन सा कार्बन था, कार्बोनाइल कार्बन था, राइट। इधर वाले CH3 को वैसे ही रहने दीजिएगा जैसे है, हो गया। तो जो अभी शॉर्टकट ट्रिक दिए हैं उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट प्रोडक्ट बताइए तो क्या बनेगा, किस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना है स्टूडेंट, और तो कितना मेंबर रिंग बन जाएगा, नहीं लगता है रिंग बन जाएगा, और इसमें से एक कार्बनाइल कार्बन सी डबल बॉन्डों के फॉर्म में रहेगा, दूसरा कार्बनाइल कार्बन OH बन जाएगा, राइट, सिक्स मेंबर रिंग, और बाकी ए वाला पार्ट क्या बन के आउट होगा, 2CH3। क्या सबका यही आंसर है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, दिस इज कॉल्ड एसिलोएन, क्या बोलते हैं, एसिलोएन। चलिए एक और प्रॉब्लम बनाइए, क्या प्रोडक्ट होगा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, राइट। अरे रहेगा सी डबल बॉन्ड हो, ये क्या बन जाएगा, OH एंड 2CH3
तो शॉर्ट नोट्स में मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट नहीं, शॉर्ट नोट्स में जिसमें जो ट्रिक दिया है उसको लिख लीजिएगा कि किसके कार्बोनाइल कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड, एक को सीडबल बॉन्ड, दूसरे को OH, और बाकी अल्कोक्सी पार्ट को अल्कोहल बना देना है, राइट। क्या बनेगा? तो एस्टर का रिएक्शन लेने से पहले एल्डिहाइड और कीटोन का ही ले रहे थे, राइट। तो वहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लीजिए, मैंने एल्डिहाइड का में पहले सोडियम जालिन दिए थे, बाद में वाटर दिए थे, क्या हुआ था? इसका भी शॉर्टकट ट्रिक दे दें। इसका शॉर्टकट ट्रिक यह था, बोले क्या कि दोनों कार्बोनाइल कार्बन के बीच में बॉन्ड बना देंगे और दोनों को OH बना देंगे। दोनों क्या था? OH, पीछे का थ्योरी में देखिए, राइट, जोड़ दिए, इसको भी क्या बना दिया? OH, ये भी क्या रहेगा? OH। तो इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, कितना मेंबर रिंग? 6 मेंबर। अरे ये भी OH, ये भी OH, नहीं लगता कि ये पिनाकॉल बन गया? विस्नल डायोल इज कॉल्ड पिनाकॉल। तो यहां से आगे भी तो रिएक्शन एग्जामिनर आपको चेक कर लेगा, पिनाकॉल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। यहां तक हो गया? चलिए देखिए, मेडिकल वाला स्टूडेंट थोड़ा सा एग्जाम का डेट और एग्जाम का फॉर्म नहीं निकल रहा, तो उसमें थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, ठीक है। बट सेम सिचुएशन पिछले साल भी था, इस बात के लिए खास करके मैं विपांच टेका का तारीफ करता हूँ। और पिछला बार तो सब कुछ बिल्कुल नया था, इस बार तो बहुत हद तक लाइफ चल रहा है, राइट। पिछला बार तो सिचुएशन ये था कि सबको रूम में बंद कर दिया गया था, कंप्लीट लॉकडाउन, अब बाहर निकल भी नहीं सकते थे, टीचर के भी कांटेक्ट नहीं, टीचर भी बेचारा फ़ोन बंद करके बैठ गया था, ब्लैंक आउट था कि बिल्कुल ब्लैंक था कि करना क्या है, आपको पता ही है सारा सिचुएशन। हम लोग भी किसी किसी से आइडिया लेके धीरे धीरे अपनी लाइफ को स्टार्ट किए थे, फिर स्टार्ट किए क्लास लेना, मतलब कंप्लीट शायद उतना दिन पिछले 10 साल में कभी मैं नहीं बैठा होगा घर में कि मैं क्लास नहीं लेता था, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग टाइम था। बट उसमें एक स्टूडेंट ने मौके का सही फ़ायदा उठाया, विपांडे का, उसे 3 महीना में सारा चीज़ को 2 बार रिविजन कर गया, सारा मुझसे मांग मांग के असाइनमेंट सॉल्व कर लिया, बायो भी देख लिया सारा असाइनमेंट मांग कर, फिजिक्स भी बना लिया असाइनमेंट मांग कर। बाकी लोग क्या कोरोना का बहाना लेकर बैठ गए कि अब क्या होगा, अब जो होगा देखा जाएगा, भगवान देखेंगे भरोसे, तो वो काम नहीं करना है। एग्ज़ाम जब होना होगा तो पक्का, एग्ज़ाम तो पक्का होगा, इसमें तो कोई गलत शक ही नहीं है, एग्ज़ाम तो लेना ही पड़ेगा ना, ऐसे ही डॉक्टर की कमी है तो एग्ज़ाम तो बिल्कुल होगा। अब एग्ज़ाम कब होगा उनका लुकआउट है, हम लोग को अगर टाइम मिल रहा है तो उसका फ़ायदा क्या उठाएंगे, सिलेबस को 2 बार रिविज़न कर जाएंगे, एक ही चीज़ को 2 बार देख लेंगे ताकि सारा कुछ शॉर्ट नोट्स बन जाए, सारा फार्मूला याद हो जाए। तो ये एक एडवांटेज है, उसको आप डिसएडवांटेज में कन्वर्ट मत कीजिए कि हाँ पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा। 12th का ही अगर मई में शुरू होता, बहुत हाई प्रेशर, अभी टाइम मिला ना, सारा चीज़ को जो आप काम पे लगे हुए हैं वो काम बहुत स्मूथली बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, राइट। लगे हुए थे तब तो टाइम मिला था और फ़ायदा हो गया, जो लोग नहीं लगेंगे और अब बढ़ गया तो हड़बड़ा कर लगेंगे, हम लोग बहुत प्लानिंग के साथ लग गए, इसलिए ऑलवेज टीचर के साथ क्लास को फिनिश करना चाहिए। लगता है कि नहीं अब टाइम नहीं है, टाइम टीचर ऑन टाइम सब कुछ फिनिश कर लेंगे, लेकिन हाँ सब्जेक्ट में टाइम, जिस सब्जेक्ट में जितना टाइम डिजर्व करता है, अब ये सब रिएक्शन को क्या है, बहुत प्रेशर कीजिएगा तो सब रिएक्शन को छोड़ते हुए आगे बढ़ते लास्ट में आपको लॉस हो जाता। अब अभी क्या है कि सब कुछ एकदम सलीके से लाह पढ़ रहे, तो लाह पढ़ रहे हैं, NABH4 पढ़ते NABH4 पढ़ रहे हैं, मुझे पता है कि टाइम लग रहा है। अब क्या लगता है, मुझे शौक है कि बैच को बांध के रखें, किसको मन करता ज़्यादा काम करने का,
बट आप ऑनेस्ट भी रहना पड़ेगा आपको एज ए टीचर। ये नहीं कि चलो जी मैं स्टार्ट किया कोई टॉपिक, बाकी तुम देख लेना, तुम लोग टैलेंटेड हो। बेचारा टैलेंटेड है तो शुरू से थोड़े आप लोग को भी सबको पढ़ना पड़ा है, सबको देखना पड़ेगा। और टीचिंग लाइन में एक बहुत बड़ा चीज़ चलता है इथिक्स, कि बच्चा करियर है तो आप एटलीस्ट इतना कवर कीजिए कि उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाए सब्जेक्ट में। अब उसमें हर टीचर का अपना तरीका है, अपना शैली है। चलिए स्टूडेंट, तो ये था हम लोग पढ़े थे अभी तक प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फिनिश, राइट। अब लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। और प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल पढ़ने से पहले कुछ बातों को सीखिए, बाद में मैं इसको प्रूफ कर दूंगा। जो भी बोलने जा रहे हैं उसको रट जाना है, बाद में समझेंगे। कितना स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूं? छः। ये क्या है? विसिनल डायोल का नाम तो था पिनाकोल। विसिनल डायोल का नाम क्या था? एक कौन सा डायोल है? जेमिनल डायोल। अरे ये भी कौन सा है? तो स्टूडेंट आज के बाद जेमिनल डायोल आर कॉल्ड हाइड्रेट। क्या बोलते हैं? लिख नीचे एक लाइन, जेमिनल डायोल आर कॉल्ड हाइड्रेट। जैसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कॉपर सल्फेट डॉट फाइव एच टू ओ, जिसका नाम क्या है? ब्लू विट्रोल। कॉपर सल्फेट डॉट फाइव एच टू ओ, दैट दिस इज कॉल्ड व्हाट? ब्लू विट्रोल। ग्रीन विट्रोल का क्या नाम है, फार्मूला? फेरस सल्फेट बोलिए, आयरन सल्फेट में मैं कुछ और समझ लूँगा। फेर FeSO4 डॉट सेवन एच टू ओ, Fe2+ का एक्वासोसन कलर ग्रीन होता है। और व्हाइट विट्रोल जिंक सल्फेट डॉट सेवन एच टू ओ, ठीक है। विट्रोल तीन टाइप का होता है। एनीवे तो जनरल एक बात हुआ जेमिनल डाय, इसका मतलब है कि हाइड्रेट तो किसी कंपाउंड का रहेगा। हाइड्रेट क्या रहेगा? किसी कंपाउंड का। तो आज के बाद वैसा कार्बन जिस पे दो OH है और उस पे अगर एटलीस्ट 1H है, कितना? तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट ऑफ एल्डिहाइड। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रेट, और इसका मतलब ये एल्डिहाइड से बना हुआ है। एल्डिहाइड से नहीं भी बना हुआ है तब भी हम लोग इसको सोचेंगे कि किससे बना हुआ है, एल्डिहाइड का ये हाइड्रेट है। एग्री? इसका मतलब इसके लिए क्या लिखना है? वैसा कार्बन जिस पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब किसी के माइंड में आएगा, सर आपने तो सिखाया था क्या कि एक कार्बन पे दो एच सर्वाइव नहीं करता है। ठीक है, सिखाए थे, तो अभी भी यहाँ पे सेम एक डायलॉग बोलेंगे, हाइड्रेट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। अगर हाइड्रेट को बचा के रखना है तो चारों तरफ क्या रखना पड़ेगा? लॉट ऑफ वाटर। क्या रखना पड़ेगा? बाहर में देखते होंगे किसी हैंडपम्प या नल के पास अगर कंटिन्यूअस पानी गिरते रहता है तो वहाँ पे काई जम जाता है। काई समझते हैं? डिस्कवरी में नहीं देते हैं, ओशन में बॉटम पे ग्रीन कलर का जो रहता है घास जैसा, राइट, एकदम बिल्कुल लेकिन सॉफ्ट स्लिपरी, राइट, उसी को हम लोग बिहार में काई बोलते हैं। यहाँ पे उसको कुछ तो बोलते होंगे, तो देखते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर कुछ दिन के लिए पानी गिरना बंद हो जाए तो ड्राई हो जाएगा। इसका तो उसमें वाटर था,
तो वैसे ही इन सिमिलर फैशन हाइड्रेट कैन नॉट सर्वाइव। मैंने बोला है कि एक कार्बन पर दो एच नहीं रहेगा, लेकिन अगर लॉट ऑफ वाटर दे दें, क्या देते हैं, तब ये सर्वाइव कर सकता है। जस्ट लाइक फिश, मछली, मछली बिना पानी का रहेगा, पानी से बाहर निकाल दिया तो मर जाएगा, वैसे ही हाइड्रेट में अगर पानी नहीं रहेगा, लॉट ऑफ वाटर नहीं रहेगा, तो हाइड्रेट डिहाइड्रेट होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए कुछ कुछ बातें बुलाता है तो सारा बात एक जगह नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो और भी पजल हो जाएगा। सही जगह पर सही बात बोलना रहता है, राइट। इसका मैंने अभी भी उस बात पे हूँ कि सेम कारण पे दो एच सर्वाइव। अब पूरा इसी को पढ़ेंगे अगला एक क्लास या दो क्लास, इन छः को ही पढ़ते रहना है, एग्री। तो अगर आज के बाद क्या याद, सबसे पहले याद रखिए, सेम कार्बन पे कितना ओ एच, दो एच, और उस पर एटलीस्ट वन एच रहेगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रेट ऑफ अल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, हाइड्रेट ऑफ अल्डिहाइड। और वैसा कार्बन जिस पे दो एच है और उस पर कोई, दो ओ एच है और उस पर कोई भी एच नहीं है, तो उसको बोलेंगे हाइड्रेट ऑफ कीटोन। क्या बोलेंगे, मैं लिखवा दूंगा, हाइड्रेट ऑफ कीटोन, ये आपको बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट, वैसा कार्बन जिस पे वन ओ एच और वन अल्कोक्सी, वन ओ आर और उस पर अगर एटलीस्ट वन एच, तो इसको बोलते हैं हेमी एसीटल। क्या बोलते हैं, हेमी एसीटल, मतलब ये एल्डिहाइड से आया है, राइट। और ऐसा कार्बन जिस पे वन ओ एच वन ओ आर है, उस पर एक भी एच नहीं है, तो इसको बोलते हैं हेमी केटल। क्या बोलते हैं, हेमी केटल। फिर वैसा कार्बन जिस पे दो ओ आर है और एटलीस्ट वन एच है, इसको बोलते हैं एसीटल। क्या बोलते हैं, एसीटल। आप जानते होंगे सुक्रोज एसीटल भी, सुक्रोज क्या है, एसीटल भी और केटल भी, आगे पढ़ेंगे वह कार्बोहाइड्रेट में, मुझे लगेगा इसको रिक्वायरमेंट होगा, राइट। और वैसा कार्बन जिसमें दो ओ आर है, एक भी एच नहीं है, तो इसको बोलते हैं केटल। इसको बोलते हैं एसीटल, इसको क्या बोलते हैं, केटल। तो छह स्ट्रक्चर का छह डिफरेंशियल मैंने बोल दिया, क्या आप लोग लिख पाओगे, बोलेंगे ही नहीं। इसके लिए क्या लिखेंगे जरा बोलिए, तो जैसे जो मैंने लैंग्वेज यूज किया वही कीजिए। वैसा कार्बन जिस पे कितना ओ एच, सेम कार्बन पे दो एच और उस पे क्या रहना चाहिए, एटलीस्ट वन एच, तो उसको बोलेंगे हाइड्रेट ऑफ अल्डिहाइड। लिखते रहिए अब, ये क्या है, हाइड्रेट ऑफ अल्डिहाइड। डिफिनेशन खुद से लिख लीजिएगा स्टूडेंट, ये क्या है, हाइड्रेट ऑफ कीटोन, ये क्या है, हेमी एसीटल, ये क्या है, हेमी केटल, और ये क्या है, एसीटल, और ये क्या है, केटल। लेकिन आप बाद में भूल जाएंगे कि कैसे पहचानेंगे, इसलिए अभी के टाइम पे चारों का डिफरेंशन एक एक लाइन मिला, ये छः का डिफरेंशन। तो आज का क्लास यहाँ पे ही रोकते हैं, और ये छः लाइन आप लोग लिख पाएंगे अपना कीमती टाइम निकालकर, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ा देर में जूलॉजी का क्लास स्टार्ट होने वाला है। ओके, और ड्रॉपर बाय चार्ज एक बॉटनी का भी एक्स्ट्रा क्लास रहेगा 2:30 से, जो एक मैम कुछ टॉपिक का स्टार्ट किया है ना आप लोग को, सेल यूनिट ऑफ लाइफ क्या स्टार्ट किए थे, क्योंकि कल का क्लास में सेल डिवीजन भी स्टार्ट हो गया है, राइट। मेरा टारगेट है कि बायो को भी एज सून एज फिनिश करना, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही।